हेलो एवरीवन, मैं हूँ दुर्गा और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा केक्स एंड कुकिंग में। और आज मैं बनाने वाली हूँ मावा केक। चलो शुरू करते हैं। मैं आज बना रही हूँ मावा केक। केक बनाने के लिए मैंने लिया है, ये केक मैंने बेक करके रेडी रखा है। मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम, ये बीट करके रखा है मैंने। ये मावा, फ्रेश मावा एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं केक को कट कर लूँगी। केक को मुझे तीन लेयर में कट करना है। ये मैं नॉर्मल वाटर से सोक कर रही हूँ केक को। केक को अच्छे से सोक करना है। ये मैंने लिया है क्रीम। मैं ये थोड़ा सा मावा क्रीम के अंदर भी डालूंगी। क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है, फेंट लेना है। तो मावा का टेस्ट जो है क्रीम में भी आएगा। पैलेट नाइफ, क्रीम को सिर्फ केक के ऊपर फैलाना है और ये सामने का ही पोर्शन यूज करना है, यहाँ तक नहीं लाना है क्रीम। और ये पैलेट नाइफ ऐसे पकड़ना है। और मैं डाल रही हूँ अभी ये मावा, ये फ्रेश मावा है। ये गाढ़ा हो चुका है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा फैलाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये अच्छा एक लेयर हो गया है मावा का पूरा। उसके बाद मैं डालूंगी ये मिक्स ड्राई फ्रूट से। मैंने लिया है काजू, बादाम एंड पिस्ता। इसके ऊपर मैं ये दूसरी लेयर रख दूंगी। ये हमारा हो गया दूसरा लेयर। मैं पहले इसके गैप जो है ये भर दूंगी, उसके बाद केक को सोक करूंगी।
लेयर में कितना अच्छा हाइट आ गया है केक का। अभी फिर से मैं केक को सोक करूंगी। केक को सोक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और केक को अच्छे से सोक करना है। ओके, अभी फिर से मैं क्रीम का लेयर और एक बार करूंगी। अगर आप कोई केक सीखना चाहते हैं तो मेरे क्लासेस भी हैं। ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस है। तो आप मुझे क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7718854725। मैं इसको निकाल रही हूँ अभी केक बोर्ड के ऊपर। मैं इसको अभी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। फिर हम लोग जब इसको फाइनल कोटिंग करेंगे तो इसके क्रम्स हमारे केक में नहीं आएंगे। ये देखो केक क्रम कोट हो चुका है। 10 मिनट तक इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, केक अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम लोग इसका डेकोरेशन करेंगे। पैलेट नाइफ थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके साइड से लगाना है। हाथ एकदम सीधा होना चाहिए तो ये आपका क्रीम बराबर लगेगा।
ये हमारा केक रेडी हो चुका है। हम लोग केक बोर्ड क्लीन कर लेंगे, क्योंकि केक बोर्ड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग डालेंगे इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स। पहले हम लोग साइड से डाल लेंगे, उसके बाद ऊपर से डालेंगे। ये हमारा मावा लोडेड केक है, तो इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोग ने डाले हैं, अंदर भी डाले हैं, बाहर भी डाल रहे हो। ये हमारा केक रेडी हो चुका है। ये देखो पूरा एकदम भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाले इसके अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।